नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सुपर अपडेट्स में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम के फर्स्ट डे कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले जानते हैं एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर पिछले साल सन 2018 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को 2500 से भी ज्यादा स्क्रीन के साथ इंडिया में रिलीज किया गया था। इस फिल्म का क्रेज उस समय कई बॉलीवुड फिल्मों से ज्यादा था। इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया में रिकॉर्ड तोड़ 31 करोड़ 30 लाख का नेट कलेक्शन किया था, तो वहीं 40 करोड़ 13 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया था। ये फिल्म सन 2018 की तीसरी हाईएस्ट डे ओपनिंग डे कलेक्शन वाली फिल्म बनी थी। पहले नंबर पर टग्स ऑफ हिंदुस्तान थी और दूसरे नंबर पर संजू रही थी। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर ने अपने पहले वीकेंड में 94 करोड़ 30 लाख का कलेक्शन किया था, तो अपने पहले हफ्ते में 156 करोड़ 64 लाख का कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने इंडिया में 224 करोड़ का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन किया था, तो वहीं 285 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था। संजू, पद्मावत और सिम्बा के बाद ये फिल्म सन 2018 की चौथी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी थी। अब जानते हैं एवेंजर्स एंड गेम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। कलंक ने बॉक्स ऑफिस पर लोगों को काफी निराश किया है, लेकिन अब एवेंजर्स एंड गेम के रिलीज होने के बाद इसकी पूरी भरपाई हो जाएगी। फैंस काफी लंबे समय से एवेंजर्स एंड गेम के बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, पर अब वो इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है और ये फिल्म 26 अप्रैल को रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म के ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही फैंस और भी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं और इस फिल्म का बस बॉलीवुड के कई फिल्मों से भी ज्यादा है। वहीं बात करें इस फिल्म के स्क्रीन काउंट की, तो इस फिल्म के बस को देखते हुए ये लग रहा है कि इस फिल्म को इंडिया में 4000 से भी ज्यादा स्क्रीन के साथ रिलीज किया जा सकता है। अगर बात करें इस फिल्म के पहले दिन की कलेक्शन की, तो इस फिल्म की एडवांस बुकिंग शानदार रही है। कई बड़े बड़े ट्रेड एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये फिल्म अपने पहले दिन इंडिया में 40 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन कर सकती है, तो ही अपने पहले वीकेंड में 100 करोड़ तक का कलेक्शन कर सकती है, तो अपने पहले हफ्ते में ही ये फिल्म 200 करोड़ तक का कलेक्शन कर सकती है। वहीं लाइफ टाइम कलेक्शन की बात करें तो ये फिल्म इंडिया में 400 करोड़ तक का लाइफ टाइम कलेक्शन कर सकती है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये फिल्म इंडिया में ही नहीं बल्कि हर जगह धमाल मचाने वाली है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन न्यूज अपडेट्स और रिव्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।